हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिक्रूटमेंट, चैप्टर नंबर सेकंड। लास्ट जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टाफिंग पढ़ा था। अब स्टाफिंग के अंदर आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन आया था, तो अब इन चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या होता है एंड सिलेक्शन क्या होता है। तो अभी तो फिलहाल हम रिक्रूटमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे। सिंपल सा चैप्टर है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो देखिए रिक्रूटमेंट, ठीक है, रिक्रूटमेंट क्या होता है। सबसे पहले मैं रिक्रूटमेंट के बारे में जानना है कि रिक्रूटमेंट होता क्या है। जब मैंने आपको लास्ट लेक्चर कराया है, तब भी मैंने रिक्रूटमेंट का आपको मीनिंग बताया था कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें जो भी वैकेंट पोस्ट होती है उनको फिल करना या पर्सन को अवेलेबल कराना, वो पोस्ट, वही हमारा क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट कहलाता है। ठीक है, अगर हिंदी में मीनिंग जानना चाहो तो भर्ती का मतलब क्या होता है, जो आपकी काफ़ी पोस्ट है, मतलब विभिन्न पोस्ट कह सकते हैं, उन पर लोगों को अवेलेबल कराना या उपलब्ध कराना है, क्या कहलाती है, आपकी भर्ती कहलाती है। जैसे आई उन्होंने एग्जाम मीनिंग दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट मीन्स मेकिंग अवेलेबल पर्सन टू फिल डिफरेंट वैकेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट मीन्स पर्सन को अवेलेबल कराना कौन सी जो हमारी वैकेंट पोस्ट है, ठीक है, और उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, क्या कहलाता है, आपका रिक्रूटमेंट कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है, सिंपल है। ठीक है, अब हमारे कहा आता है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयज के हम रिक्रूटमेंट करते हैं उसकी क्या प्रोसेस है, सिंपल सी प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले आपको रिक्रूटमेंट करनी है, और रिक्रूटमेंट को जानने के लिए आपको देखना है सबसे पहले क्या आपके माइंड में आएगा रिक्रूटमेंट की क्या प्रोसेस होगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे कितने एम्प्लॉय की हमें रिक्वायरमेंट है, यानी जो इसकी प्रोसेस स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, रिक्वायरमेंट से। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा वही दिया हुआ है, रिक्वायजेशन ऑफ एम्प्लॉय या कर्मचारियों की मांग। ठीक है, रिक्वायजेशन एम्प्लॉय या कर्मचारियों की मांग हो सकते हैं। अब देखिए, कर्मचारियों की मांग से हमारा क्या मतलब है, वही मतलब होगा कि हमें कितने कर्मचारियों की नीड है, कितने लेबर की रिक्वायरमेंट है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो कहाँ से होगी, रिक्वायजेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी कितने कर्मचारियों की नीड है, कौन से विभाग में है, कौन से डिपार्टमेंट में, ये सारा हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट आपका आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखिए, आपने ये तो चेकआउट कर लिया कि कितने पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट है, कौन से डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है। अब हम चेकआउट करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब हमारे टू टाइप के सोर्सेज हो सकते हैं, एक हो सकता है इंटरनल और एक हो सकता है एक्सटर्नल। देखिए, इंटरनल का मतलब है कि रिक्रूटमेंट हम कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल का मतलब होता है हम बाहर से कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एरिया से कर रहे हैं। ठीक है, इनको आगे सोर्सेज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरनल का हम एग्जांपल ये भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन उसमें पहले से जो लोग हैं उन्हीं के थ्रू हम क्या कर लें, रिक्रूटमेंट कर लें, और जब हम बाहर से कैंडिडेट बुलाते हैं तो वो हमारा किसके अंदर आता है, एक्सटर्नल। बाकी इसकी डीप में स्टडी होगी, इसमें सोर्सेज ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन थर्ड, फर्स्ट तो हमने क्या चेक कर लिया, चेकआउट कर लिया कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में, कितने एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है। देन हमने सोर्सेज सेलेक्ट कर लिए। देन थर्ड है इन्विटेशन टू इंटरेस्टेड पीपल। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पीपल इंटरेस्टेड होते हैं, जो डिजर्वेबल होते हैं, जो इन क्वालिफिकेशन होती है, उनको हम क्या करते हैं, इन्विटेशन देते हैं। इन्विटेशन किसके थ्रू दे सकते हैं, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं, आप टीवी में ऐड दे सकते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। तो वो सारा किस में आएगा, इन्विटेशन में। जब आप इन्विटेशन देंगे तो उसमें आप सारी डिटेल देंगे, जैसे आपने कभी न्यूज़पेपर में ऐड देखी होगी, जो भी रिक्वायरमेंट के ऐड होते हैं, रिक्रूटमेंट के ऐड होते हैं, उसमें होता है कि इतनी सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, इतना हमें एक्सपीरियंस चाहिए, इतनी हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, तो वो सारी डिटेल हम इसके अंदर डाल देंगे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट। उसके बाद जो लास्ट है, जो रिक्रूटमेंट की जो हमारी प्रोसेस है वो कहाँ एंड होती है, कि हम लिस्ट बना लेते हैं, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन हमारे पास बहुत ज़्यादा लोगों की आती है, जो क्वालिफाइड होते हैं उनकी भी आती है और जो अनक्वालिफाइड होते हैं उनकी भी। तो हम दो लिस्ट तैयार कर लेते हैं, एक क्वालिफाइड और एक अनक्वालिफाइड, जिससे कि हमें सिलेक्शन की प्रोसेस करना ईजी हो जाती है। देखिए, एक चीज़ और याद रखना, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि जो आपके रिक्रूटमेंट है एक प्रकार की पॉजिटिव प्रोसेस है। देखिए, इसको पॉजिटिव प्रोसेस क्यों माना गया है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में क्या होता है, हम सभी एम्प्लॉयज़ को बुला लेते हैं, हम एक प्रकार का इन्विटेशन देते हैं, उसमें कोई भी आ सकता है, क्योंकि किसी को हम मना नहीं करते, जो क्वालिफाइड होगा, एक्सपीरियंस होल्डर होगा। कई बार होता है कि जो इनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी कम होती है, एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है, वो लोग भी आ जाते हैं। तो इट मीन्स एक पॉजिटिव प्रोसेस है, जिसमें सभी को इन्विटेशन दिया जाता है। लेकिन जब सलेक्शन होता है, जब हम सेलेक्ट करते हैं, वो एक नेगेटिव प्रोसेस है, क्यों, उसमें हम क्या करते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट को तो सेलेक्ट कर लेते हैं, जो डिजर्व नहीं करता उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए उसको हम क्या मानते हैं, नेगेटिव प्रोसेस। तो ये सिंपल सा है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में कि रिक्रूटमेंट की क्या प्रोसेस है, छोटी सी प्रोसेस है हमारे पास।
देन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इस वाले चैप्टर में से आपका यही टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्या सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉयज हैं उनकी रिक्रूटमेंट हम किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो सोर्सेज वही बताया मैंने, एक होता है हमारा इंटरनल सोर्सेज और एक होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेज। यहाँ इंटरनल हो गया और ये एक्सटर्नल। अभी अभी मैंने इसका मीनिंग बताया। इंटरनल सोर्सेज वो होता है जिसमें हम क्या करते हैं रिक्रूटमेंट अंदर से कर लेते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके अंदर के लोगों में से रिक्रूटमेंट कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं। लेकिन जब हम एक्सटर्नल करते हैं यानी बाहर के लोगों को इनवाइट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमारा किसके अंदर आता है एक्सटर्नल सोर्सेज। आइए इनको आगे डिटेल से पढ़ते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस जो आपकी फर्स्ट यूनिट है इसमें आपके तीन चैप्टर है, स्टाफिंग हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, सिलेक्शन हो गया, एक चैप्टर और ट्रेनिंग भी है शायद, ठीक है। तो इनमें से आपको चैप्टर में से क्वेश्चन मिल जाएगा। स्टाफिंग से नहीं तो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस मिल सकती है, या इसके सोर्सेज जो मेन इंपॉर्टेंट है उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड बताती जाएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि वही है कि आपको कोई भी तीन या चार क्वेश्चन करने होंगे तो उनमें से आपको एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो सोर्सेज में इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। देन देखिए इंटरनल सोर्सेज की हम स्टडी करते हैं। इंटरनल सोर्सेज या हम बोल सकते हैं रिक्रूटमेंट फ्रॉम विद इन द एंटरप्राइज, वही बात होगी। रिक्रूटमेंट विद इन द एंटरप्राइज का मतलब क्या हो गया कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो इसमें देखिए तीन चीज़ें हमारे पास आती है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, लेऑफ। इनके नेम से क्लियर है, आपने सुना भी होगा। ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देना, जिसे कह, लेकिन पोस्ट आपकी सेम होती है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होती है, पोस्ट आपकी इंक्रीज नहीं होती, पोस्ट आपकी सेम होती है। जैसे मान लीजिए एक डिपार्टमेंट यहाँ पर है, एक हमारा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ हमारे डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक जगह हमारे पास ज़्यादा है कैंडिडेट और वहाँ कम कैंडिडेट है, तो वहाँ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन पोस्ट हमारी क्या होती है, सेम होती है। देन होता है प्रमोशन, ये भी आपने सुना होगा, इजी सा है। प्रमोशन का प्रमोट कर देना यानी पोस्ट इंक्रीज कर देना। लेकिन ट्रांसफ़र और प्रमोशन में क्या डिफरेंस है, ट्रांसफ़र में तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाता है, सेम पोस्ट होती है। प्रमोशन में भी कई बार क्या होता है, प्रमोशन हमें उसी जगह पर मिल जाता है, उसी जगह पर ऊँची पोस्ट दी जाती है, कई बार अदर डिपार्टमेंट में भेज के वहाँ भी हमारी पोस्ट को इंक्रीज किया सकता है, ठीक है। तो इंटरनल सोर्सेज हो गया, क्योंकि उसमें रिक्रूटमेंट तो हम कर ही रहे हैं, वहाँ भी जो वो पोस्ट वैकेंट थी उसमें हमने उस पोस्ट को फिल किया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किया, ट्रांसफ़र भी यही हो गया। एक होता है लेऑफ। लेऑफ का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयर और जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बीच एक प्रकार का एग्रीमेंट हो जाता है, कि जैसे कई बार होता है कंपनी में वर्कलोड कम होता है, ठीक है। तो वर्कलोड कम होने के कारण कुछ टाइम पीरियड के लिए वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय को सेपरेट कर देते हैं, यानी काम से अलग कर देते हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर हमें रिक्वायरमेंट हुई तो हम आपको बुला लेंगे, अभी कंपनी में काम नहीं है इसलिए हम सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये भी ले ऑफ है। या कई बार क्या होता है, एक्स्ट्रा काम होता है तो हम उनको बुला लेते हैं। तो ये इंटरनल सोर्सेज के अंदर ही आ गए, यानी अभी तक इस वाले सोर्सेज में हमने बाहर के लोगों से कनेक्ट नहीं किया, सारा जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया वो कहाँ से किया, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से, ठीक है। तो इजी सा है ये। अब इनके मैरिट्स पढ़ेंगे और डिमेरिट। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। मैरिट्स इनके नाम से क्लियर है, आप खुद सोच के देखिए अपने माइंड में कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल सोर्सेज करते हैं तो उससे क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। फर्स्ट है इंक्रीज इन मोटिवेशन, तो आपको पता ही है एम्प्लॉय का मोटिवेशन इंक्रीज होगा, उनको प्रमोशन मिलेगा, उनकी पोस्ट इंक्रीज होगी, या ट्रांसफ़र भी से भी बेनिफिट हो सकता है। कई बार क्या होता है, हाँ कुछ एरिया हमारे से बहुत दूर होते हैं, कुछ लोग बहुत दूर शिफ्ट हो जाते हैं, तो जब उन्हें ट्रांसफ़र मिलता है तो उन्हें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि उन्हें अपने पास के एरिया में जॉब मिल जाती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पीस रहता है, इंडस्ट्रियल पीस का ऑर्गेनाइजेशन में शांति रहती है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें प्रमोशन मिलना है, जो भी रिक्रूटमेंट होगी, जो भी पोस्ट वगैरह इंक्रीज होगी वहाँ से उनको बेनिफिट प्रोवाइड होगा, ठीक है। इजी सिलेक्शन, ये तो बिल्कुल ईजी है, कुछ भी नहीं आप बुक से पढ़ोगे तब भी हो जाएगा। छोटे छोटे पॉइंट है। इजी सिलेक्शन का मतलब क्या होगा, आसानी से हम सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ अपने एरिया के लोग को हम जानते भी हैं, उनकी क्वालिफिकेशन, उनके एक्सपीरियंस, उनका एनवायरनमेंट सभी हमें पता होता है। नो नीड ऑफ इंडक्शन, लेकिन नो नीड ऑफ इंडक्शन का हमारा यहाँ का मतलब है, इंडक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी हम अपॉइंटमेंट करते हैं तो एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में, वर्क से रिलेटेड, ठीक है। तो वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की रिक्रूटमेंट नहीं, क्योंकि इंटरनल सोर्सेज से जब हम कर रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ को हम पहले से जानते हैं, ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है।
एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एम्प्लॉयज़ का हमारा क्या मतलब है कि जिस एरिया में हमारे पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है उसको हम, जिस एरिया में कम एम्प्लॉयज़ है वहाँ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाती है। इकोनॉमिकल सोर्स की तो आपको पता ही है, खर्चा आपका कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि हम इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है, बाहर के लोगों को इन्वाइट करने की जरूरत नहीं है, उनको बुलाएंगे, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, इसमें कितना एक्सपेंस लगेगा वो एक्सपेंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस इट मीन्स ये क्या हो गया हमारा इकोनॉमिकल सोर्सेज, ठीक है। देन बिल्कुल ईजी सा है लिमिटेशन। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर हम इंटरनल सोर्सेज से सब कुछ रिकवर कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? सबसे पहले प्रॉब्लम तो वही कि जो बाहर के लोग होंगे वो इसके अगेंस्ट होंगे। क्यों अगेंस्ट होंगे? बाहर के लोगों को मौका ही नहीं मिल रहा, जो नए कैंडिडेट हैं, नए यंग जो पढ़ कर आ रहे हैं, जो नई नई टेक्निक सीख कर आ रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट कहाँ से हो रही है? इंटरनली हो रही है। कई बार होता है ना इंटरनली से, मान लीजिए कोई पोस्ट निकाली और इंटरनली उसको सिलेक्ट कर लिया, तो एक्सटर्नल कहते हैं कि हमें तो इन्विटेशन ही नहीं मिला कि कब रिक्रूटमेंट निकाली, कब सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये लिमिटेशन यहाँ पढ़ते हैं थोड़ी थोड़ी। देखिए फर्स्ट कह रहा है आपका स्टॉप एंट्री ऑफ यंग ब्लड, वही कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं वो एंट्री नहीं ले सकते। देन सेकंड, एम्प्लॉय बिकम लेथार्जिक एंड लेजी। आप इसका लेजी वर्ड यूज़ कर लेना, सेम मीनिंग होता है। एम्प्लॉय लेजी हो जाता है, लेजी क्यों होता है? उसको पता है कि मान लीजिए जो भी पोस्ट निकलेगी पोस्ट हमें ही प्रोवाइड करनी, हमें ही प्रमोशन मिलेगा, हमें ट्रांसफर मिलेगा, क्योंकि बाहर तो कोई जाना नहीं है, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं, लेजी हो जाते हैं। देन नॉट अवेलेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, वही बात हो गई कि जो ये वाला इंटरनल सोर्सेज है ना वो न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता। क्यों? न्यू ऑर्गेनाइजेशन तो इंटरनल सोर्सेज का यूज़ कर ही नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पर तो कोई इंटरनली है ही नहीं, तो उन्होंने सारा सोर्सेज कहाँ से यूज़ करना होगा? एक्सटर्नली से, ठीक है, तो वहाँ के लिए यूज़ नहीं है। देन नेक्स्ट बोल रहा है सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज। सेंस ऑफ कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़ के बीच कॉम्पिटिशन कम हो जाता है। कंपटीशन कैसे कम होगा भाई? कंपटीशन तो तभी क्रिएट होगा जब बाहर के लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेंगे, क्योंकि बाहर के लोग हैं, जो नए बच्चे हैं वो नई स्टडी कर कर आएंगे, नई टेक्निक सीख कर आएंगे, तभी तो कंपटीशन क्रिएट होगा। लेकिन क्या है इसमें? नहीं, वैसे क्या कहते हैं, हम इंटरनली एरिया की लिमिटेड एरिया हो गया, वहीं से सिलेक्शन कर लिया, तो कॉम्पिटिशन कहाँ से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। एंड देन लास्ट है आपका फ्रिक्वेंट ट्रांसफरिंग हिट द प्रोडक्टिविटी। हिट द प्रोडक्टिविटी का मतलब इससे हमारा प्रोडक्शन भी कम होता है, क्यों? कंपटीशन तो रहता नहीं है, और एक जगह से ट्रांसफ़र कर देते हैं फिर प्रमोशन करते हैं, तो बार बार ट्रांसफ़र करने से जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो इट मीन्स क्या हो गया, कई बार प्रोडक्शन हमारा कम हो जाता है। तो ये हमारे इंटरनल सोर्सेज के क्या हैं, कुछ वीक पॉइंट है। तो देखिए जिसमें बेनिफिट होंगे उसके लिमिटेशन तो होगी, तो अभी सिर्फ हमने केवल इंटरनल सोर्सेज कम्प्लीट किया है, ठीक है। देन ये टॉपिक थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसलिए नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम आपका एक्सटर्नल सोर्सेज कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। रिक्रूटमेंट छोटा सा है, कुछ भी नहीं रिक्रूटमेंट में, रिक्रूटमेंट का मीनिंग है, उसकी प्रोसेस है, सोर्सेज है, और ये मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट कौन से होंगे, आपके सोर्सेज होंगे। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि इंटरनल सोर्सेज क्या होते हैं, एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं, अलग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए केवल इतना है, जो नेक्स्ट आपकी वीडियो होगी उसमें हम एक्सटर्नल सोर्सेज स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।